हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय शर्मा अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट टू लेकर आया हूं, जो आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीडीएस एनडीए एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एप्पल ऑफ द आई। एप्पल ऑफ द आई होता है आँखों का तारा होना। ऑप्शन नंबर ए द कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े का कारण। ऑप्शन नंबर बी द कॉज ऑफ जीलसी होता है ईर्ष्या का कारण। ऑप्शन नंबर सी डियरली लव्ड होता है बहुत ज़्यादा प्यारा। ऑप्शन नंबर डी द एप्पल पाई होता है अव्यवस्थित क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी डियरली लव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू थ्रो मड एट होता है कीचड़ उछालना। ऑप्शन नंबर ए टू एप्रिसिएट समवन होता है किसी की तारीफ करना। ऑप्शन नंबर बी टू बांडर्ड ऑलवेज होता है हमेशा भटकते रहना। ऑप्शन नंबर सी टू एक्यूज रॉन्गली आरोप लगाना। ऑप्शन नंबर डी टू टॉयल इन द फील्ड्स होता है परिश्रम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी टू एक्यूज रॉन्गली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट स्नेल स्पेस होता है धीमी गति से। ऑप्शन नंबर ए टू डू थिंग्स वेरी स्लोली होता है चीज़ों को धीरे से करना। ऑप्शन नंबर बी टू वॉक लाइक ए स्नेल धीरे से चलने को पसंद करना। ऑप्शन नंबर सी टू लैक इंटरेस्ट इन वर्क काम में रुचि की कमी होना। ऑप्शन नंबर डी टू डू थिंग्स इन ए मेथोडिकल मैनर्स किसी चीज़ को तरीकापूर्ण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए टू डू थिंग्स वेरी स्लोली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल गुस्से में आ जाना। ऑप्शन नंबर ए टू डैश लिक्विड डिसलोकेट। ऑप्शन नंबर ए टू डिसलोकेट होता है सही जगह से होना। ऑप्शन नंबर बी टू बी इनडिफरेंट होता है उदासीन होना। ऑप्शन नंबर सी टू लॉज वंस टेम्पर आपा खो देना। ऑप्शन नंबर डी टू बी एयरबॉर्न होता है हवा में होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी टू लॉज वंस टेम्पर हो जाएगा, गुस्से में आ जाना। क्वेश्चन नंबर फाइव, ए स्नेक इन द ग्रास छुपा हुआ खतरा। ऑप्शन नंबर ए सोल्जर सैनिक। ऑप्शन नंबर बी नॉट रिलायबल पर्सन होता है विश्वसनीय ना हो, जो व्यक्ति विश्वास के लायक ना हो उसे नॉट रिलायबल पर्सन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वेरी फेरोसियस स्नेक्स बहुत ही आक्रामक सांप। ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। ऑप्शन नंबर फोर्थ अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर होता है छुपा हुआ खतरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैडन स्पीच होता है सर्वप्रथम भाषण। ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग स्पीच लंबा भाषण। ऑप्शन नंबर बी ब्रीफ स्पीच संक्षिप्त भाषण। ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ स्पीच सर्वप्रथम भाषण। ऑप्शन नंबर डी इमोशनल स्पीच भावुक भाषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ब्रेस्ट स्पीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्रिंग होम का मतलब होता है जोर देकर कहना। ऑप्शन नंबर ए बॉइस्ड होता है व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर बी डिक्लेयर्ड होता है घोषणा करना। ऑप्शन नंबर सी एम्फेसाइज्ड होता है जोर देना। ऑप्शन नंबर डी सजेस्टेड होता है सुझाव देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एम्फेसाइज्ड जोर देना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, ऑन द वेन होता है कम होना। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी डिक्लाइनिंग कम होना। ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडिंग फैलना। ऑप्शन नंबर डी स्पायरलिंग तेजी से बढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगे होना। ऑप्शन नंबर ए ऑन ट्रायल होता है मुकदमा। ऑप्शन नंबर बी अंडर प्रेशर होता है दबाव। ऑप्शन नंबर सी इन डेंजर खतरे में। ऑप्शन नंबर डी चैलेंज्ड होता है चुनौती देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इन डेंजर हो जाएगा खतरे में। क्वेश्चन नंबर टेन, बिलो द मार्क
बिलो द मार्क होता है घटिया स्तर का। ऑप्शन नंबर ए बिलो सम लाइन, किसी रेखा के नीचे। ऑप्शन नंबर सी सेकंड, एप्रोप्राइट मार्क उचित निशान। ऑप्शन नंबर सी सब स्टैंडर्ड होता है घटिया स्तर का। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिलो डिग्निटी होता है सम्मान से कम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सब स्टैंडर्ड हो जाएगा घटिया स्तर का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।